टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। समंदर में ड्रग्स और हाई प्रोफाइल पार्टी। किसी को अंदाजा नहीं था कि समंदर के बीच ड्रग्स पार्टी में एनसीबी की टीम पहुंच सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है जो बीच समंदर में एनसीबी की टीम पहुंची है और बड़ा ऑपरेशन का अंजाम दिया है। कैसे बीच समंदर में पहुंची एनसीबी की टीम, हर कोई जानकर दंग रह गए। और पार्टी में क्या क्या हुआ, एनसीबी ने सब कुछ देख ली। किसी ने सोचा भी नहीं होगा नशे में हाई प्रोफाइल खेप मौजूद होगी, और ना ही किसी को पता था इस बीच समंदर में एनसीबी भी साथ साथ है। एनसीबी यात्री बनकर शिप पर चढ़े और पार्टी के दौरान जब रेड करना शुरू की तो वहां सबके होश उड़ गए। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने, चलो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी, प्लीज नो। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, आई विल प्रॉपरली इशू एंड। सर, कितने लोग तावीज लिए गए? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार 2 अक्टूबर की रात मुंबई में एक क्रूज शिप पर छापेमारी की थी जहां एक रेव पार्टी चल रही थी। इस छापेमारी में 3 महिलाओं सहित अन्य कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें एक आर्यन खान भी है, और एनसीबी ने कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन समेत 8 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। एनसीबी से जो जानकारी आई वो है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन व अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आर्यन से पूछताछ की जा रही है। आगे और कुछ नए खुलासे हो सकता है। गिरफ्तार किए आरोपियों के पास से चरस, MD व अन्य ड्रग्स मिले हैं जो पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। एनसीबी के महानिदेशक ने सार्वजनिक किया है ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं, इन्हें देखिए। एनसीबी अपने दफ्तर ले जा रही है और जे हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उनका टेस्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीर देखें, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की शिप पर कैसे कर रहे थे उस रात पार्टी की झलकियाँ देखें।